जी नमस्कार, हम राजा, आप देख रहे बानी अपन चैनल झलको चंपारण। हम अपने के लिए कैल बानी मखनिया हाई स्कूल में, जहाँ की भारत के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी और यहाँ के जो भावी प्रत्याशी श्री सुनील मणि तिवारी जोन की हाई स्कूल के ग्राउंड में कुछ ही क्षण में पहुँचे वाला बानी और अपना सभा के संबोधित करे वाला बानी। और यहाँ के जनता बहुत उत्साह में बाटे की भाजपा जोन की बा और वहाँ के साथ में साथी सम्राट जोन की बानी पहुँचल बानी यहाँ पर और सभा के संबोधित कर रहा बानी नित्यानंद राय जी के साथ में। कुछ ही क्षण में हेलीकॉप्टर से उतरम यहाँ। आप देख रहे होंगे जब से 2019 में हम मजबूत सरकार बनाकर भेजे तो आज पाकिस्तान चू नहीं कर पा रहा है। और जब पाकिस्तान के तरफ से एक बीड़िया बम भी छोड़ने का प्रयास किया जाता है साथियों, तो देश के यशस्वी गृह मंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि तोप का गोला छोड़कर पाकिस्तान को ठंडा करने का काम करो साथियों। और इसी तरह चाहते हैं कि नित्यानंद जी के हाथों को मजबूत करे और देश के गृह राज्य मंत्री होने के नाते इस देश में मजबूत सरकार बनाए रखे। तो यहाँ से सुनील मणि त्रिपाठी जी को, तिवारी जी को चुनाव जिताए। और मेरा विशेष तौर पर आग्रह है एक एक वोट सुनील जी को देकर यहाँ से कमल छाप को जिताने का काम कीजिए और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का काम कीजिए। धन्यवाद साथियों। सबसे पहले सबकियों के गोला वतनी प्रणाम करते हैं। अपने समय के आशीर्वाद मिलने चाहिए उनके और बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए छठी माई के व्रत आने लगा और हमने किया के सबसे पावन ये त्योहार है। माता के कठिन तपस्या और व्रत है तो छठी माई से भी गोला वतनी दो लाइन में और अपने समय के समर्पित करता हूँ। विनती करे छठी मैया सुनिला हमारो पुकार, सुनिला हमारो पुकार। मोदी जी के देखल सपना करिया चुनावी 370 धारा हटाला जैसा कह रहे थे सम्राजी,
आप सब भी जानते हैं और अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। नागरिकता संशोधन कानून भी लागू हो गया और ट्रिपल तलाक भी समाप्त कर दिया गया। आज गरीबों के जीवन के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी लागू किए। एक भागीरथ जो इस धरती को तृप्त करने के लिए मानव जीवन में खुशियां लाने के लिए मानव कल्याण के लिए शंकर की जटा से गंगा मैया को इस धरती पर उतारे थे, इस धरती पर उतारे। दूसरा विकास के भागीरथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गंगा को जन जन तक पहुंचाया है, जन जन तक पहुंचाया है। एक गरीब का बेटा जब भारत का प्रधानमंत्री बनता है तब लगता है इस देश में ये पहली बार गरीबों के विषय में कोई सोचने वाला है, गरीबों के घरों में कोई खुशियां लाने के लिए दिन रात प्रयत्न करने वाला है, तो उसका नाम है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। माननीय नरेंद्र मोदी जिसका इंतजार था इस देश के गरीबों को, इंतजार था इस देश के गरीबों को कि हमारा भी कोई मसीह आएगा, हमारे भी घर आंगन में खुशी आएगी और हमारे बच्चे भी खुशहाल होंगे। गरीबों को एक मसीहा मिला है, गरीबों को एक मसीहा मिला, वही इस देश को मजबूती भी मिली है, सम्मान भी मिला है। भूलों के कारण देश का बंटवारा हो गया, हमारे देश की आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए इसकी स्वतंत्रता के संग्राम में हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। चंपारण की धरती है जहां से कुछ बापों ने आंदोलन शुरू किया था, आंदोलन तो किसानों का था लेकिन कहीं न कहीं ब्रिटिश सत्ता को हिलाने का उसमें बड़ा संकल्प था, बड़ा संकल्प था। हम उस बात को नहीं जाना चाहते कि देश को आजादी मिले लेकिन खंडित आजादी 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, इसके पहले ही एक देश पाकिस्तान आजाद होकर इस देश से बाहर हो गया, भारत के टुकड़े हो गए। लेकिन आजादी के बाद में इतनी बड़ी बड़ी भूलें हुई, इतनी बड़ी बड़ी भूलें हुई जिसको बहुत ही सख्ती के साथ निपटने की जरूरत होती। ऐसा कहा जाता है कि भारत मां को जब भी वीर सपूत को जन्म देना होता है तो मां अपने गोद में जन्म देती है। 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी को नायक बनाकर भारत माता ने अपने गोद में लाई और आज हर प्रकार से देश समृद्धि की ओर भी बढ़ रहा है, शक्तिशाली। आज जब हम विकास की बात करते हैं, एक गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री होता है, एक गरीब मां का बेटा जिसको बचपन में पढ़ने के लिए कभी भूखे पेट जाना पड़ता है, घर में धुएं के कारण कभी मां बेटे को तो बेटे मां को देख नहीं पाते थे, पिताजी स्टेशन पर चाय बेचते थे और बचपन में उनकी एक कहानी को पढ़ी जब उनके एक अजीज मित्र की मौत इसलिए हो जाती है कि उसके माता पिता के पास इलाज के लिए पैसा नहीं था। जब ऐसा प्रधानमंत्री देश का बनते हैं तो माँ बेटे को देखे, बेटे माँ को देखे, घर में धुआं नहीं हो, हमारी माँ बहने का स्वास्थ्य ठीक रहे, समय बचे और उसका सम्मान भी बढ़े। थोड़ा गैस कनेक्शन से गैस कनेक्शन दिया क्या था पहले 10-10 हजार में ब्लैकमेल से गैस कनेक्शन मिलता था, अब मुफ्त में मिला है। शौचालय घर घर बना, लोग सोचता भी नहीं था, आज हिंदुस्तान के घर घर बिहार के घर घर में शौचालय है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि शौचालय नहीं है, सुविधा तो है ही लेकिन यह हमारा इज्जत घर है।
जनरल खाता खुला। आदरणीय भाइयों, जनरल खाता नहीं होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने मुझको इस कोरोना के काल में कुछ जिम्मेवारियां सौंपी थी। आपके पास मोदी जी का पैसा अगर जनधन खाता नहीं होता तो पहुंच नहीं पाता। लॉकडाउन में डाकिया भी काम नहीं कर रहे थे, आवागमन का साधन नहीं था, लेकिन बैंक ऐसा था जिसमें गरीबों के घर में मोदी जी का पैसा पहुंचा। आयुष्मान भारत, एक परिवार में एक साल के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य सहायता, स्वास्थ्य की योजना कितनी बड़ी बात है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है कि मोदी जी का क्या करिश्मा है कि एक गरीब परिवार में 5 लाख रुपया एक वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए तो फिर पांच, फिर जरूरत रही तो फिर पांच, यानी जीवन भर के लिए। हमारे मोदी जी जीवन से मरण तक की जिन्होंने चिंता की, किसानों को सम्मान निधि देकर प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक किसानों के खाते में वर्ष में 6,000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों आपको पता नहीं होगा कि किसान के पास अगर 100 रुपये कम होता है तो उसको खाद की ढोली और बीज का थैली नहीं मिल सकता है।